नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय सीमा सुरक्षा संगठन के शहीद जवान दिलीप सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव विदावास पहुंचा। यहां सैकड़ों ग्रामीणों ने नम आंखों से शहीद दिलीप सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रशासन की तरफ से भी बावल के SDM संजीव कुमार और तहसीलदार ने पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। पुलिस की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर दिलीप सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दी। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा, दिलीप सिंह अमर रहे के गगन भेदी नारों से आसमान गूंज उठा। 34 वर्ष दिलीप सिंह भारतीय सीमा सड़क संगठन के जवान थे और वे 20 अप्रैल को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए थे। तभी भूस्खलन हुआ और वे उसके नीचे दब गए, जिससे वे शहीद हो गए। शहीद दिलीप सिंह अपने पीछे माता पिता, पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़कर गए हैं। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। सर, मैं संदीप कुमार OM सर, ग्रुप पर्सन सर। ये जो शहीद हुआ इसका दिलीप कुमार, ये सर मशीन चलाते हुए J200 चलाते हुए अचानक स्लाइड आने से उसके नीचे दबने से इसका शहीद हो गए सर। सर, आपको आपकी फोर्स को कब पता चला ये हादसा? ये सर हमको उसी के साथ में, हमारा एक JEE होता है, JCO रैंक का, वो उसी के साथ था। उसने तुरंत एक्शन ले लिया और इस दिलीप उस्ताद को आधे घंटे में हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया सर। दस ये घटना किस दिन की है? ये घटना है सर 20 अगस्त की, 20 तारीख की सर। उसके बाद डेड बॉडी को आज बिदास गांव में लाया गया है, तो बटालियन से कौन कौन आए थे? सर, मैं संदीप कुमार, एक प्रवीण कुमार, दो बंदे आए सर। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बाल बच्चे इनके बहुत छोटे हैं, दुर्घटना बहुत गलत हुआ है सर इनके साथ, पर जावाज एक देश के लिए शहीद हुआ है, इसलिए हमको गर्व भी उसे हुआ।